नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए चीज़ के बारे में, नए प्रोडक्ट के बारे में, नए मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में। जो बात है ईवी व्हीकल्स यानी कि ईवी टू व्हीलर्स का जो मेंटेनेंस है वो कैसे होता है, या हो सकता है स्कूटर या मोटरसाइकिल, दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, लेकिन डिपेंड्स ऑन व्हीकल ऑल्सो, क्योंकि बैटरीज के साइजेस भी अलग होने वाले। तो देखती है चलो कि लिस्ट ऑफ यानी कि जो पॉइंट्स है मैंने निकाले हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, डिस्क ब्रेक है, ड्रम ब्रेक है, कंट्रोलर केबल से बैटरी प्रोडक्शन एंड बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो डिस्क ब्रेक में आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाड़ी में डिस्क ब्रेक तो आने वाला है, हो सकता है ड्रम भी हो सकता है, लेकिन डिस्क के बारे में डिस्क का थिकनेस जो है वो मेंटेन करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा ना समझें कि ईवी व्हीकल है जिसमें इंजन नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है तो मेंटेनेंस कम रहेगा, ऐसे नहीं है। उसका ब्रेक फ्लूइड चेंज करना आपको बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका पुरानी गाड़ियों में यानी कि डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियों में 3000 किलोमीटर में आप ब्रेक फ्लूइड चेंज करते थे, उसी के हिसाब से आपको ब्रेक फ्लूइड चेंज करना है। ध्यान में रखना कैलिपर ग्रीसिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई भी बाइक्स नहीं है जिसमें आपको कैलिपर ग्रीसिंग ना करना पड़े, क्योंकि हर एक हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में आपको कैलिपर ग्रीसिंग करना पड़ता है जब तक वो फ्लोटिंग कैलिपर है। अगर नॉन फ्लोटिंग है तो टेंशन नहीं है। देखिए दोस्तों, दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ड्रम ब्रेक है तो ब्रेक लाइनर्स या ब्रेक ड्रम जो है उसकी देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल केबल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोल केबल जो है वो रस्टी हो सकते हैं, डिपोजिशन आ सकता है, तो उसको ऑयलिंग करना या उसका रिप्लेसमेंट कैसे करना है ये मालूम रहना बहुत ही ज़रूरत है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस बहुत ही यूज़ करने पड़ने वाला है, क्योंकि ये बैटरी ओरिएंटेड है और 101% बैटरी है। पहले की गाड़ियों में वैसे नहीं था, बैटरी चार्जिंग के लिए था, स्टार्टर के लिए था, लेकिन बाकी सब चीज़ें इंजन के ऊपर डिपेंड करता था। तो आप देख सकते हैं इसमें डिपोजिशन जो लगा हुआ है हरा कलर का, नीला कलर का, वो चीज़ ना होना चाहिए करके आपको डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस हर एक कनेक्टर्स में आपको लगाना पड़ेगा, पूरे के पूरे कनेक्टर्स में, क्योंकि सब वायरिंग में डीसी वोल्ट चलने वाला है, उसमें कोई भी कनेक्टर हो सकता है। उस चीज के लिए आप देख सकते हैं मैंने एक टेंपरेरी एक डायग्राम डाला हुआ है, इसमें बहुत सारे कपलर्स है, कपलर्स में आपको डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस लगाना ही पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो बैरिंग्स यूज होते हैं वो बैरिंग जो है, अब मोटर में अगर ओपन टाइप बैरिंग रहेगा तो उसमें डबल आर या डबल जेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको इंजन ऑयल नहीं मिलने वाला है। इसके लिए इसका जो ओरिजिनल कंपनी का जो ग्रीस रहने वाला है उसी को इस्तेमाल आपको करना है। अगर ओपन टाइप बैरिंग करेंगे तो उसके ऊपर लोड आके बैरिंग्स ख़राब होने के, सीज होने के या टूटने के चांसेस ज़्यादा है। तो बेस्ट यही है कि आप कंपनी सील्ड यानी कि 2RS या ZZ टाइप के बैरिंग्स आपको यूज करना है। रही बात व्हील्स के लिए, तो व्हील्स के लिए तो आपको कंपलसरी RR यानी कि 2RS या तो ZZ जो है ये टाइप के बैरिंग्स यूज करना ज़रूरी है। इसको ओपन करके एक्सटर्नली ग्रीस भरने की ज़रूरत नहीं है और भरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका एक क्वांटिटी जो है वो कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मोटरसाइकिल या स्कूटर ही है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपका इंजन जो है वो रिप्लेस हो चुका है BLDC या PMDC मोटर के साथ, लेकिन बाकी के जो पुर्जे हैं उसका मेंटेनेंस सेम रहने वाला है। यानी कि स्विंग आर्म अगर रहेगा, आपका मोटरसाइकिल रहेगा, तो स्विंग आर्म बेयरिंग रह सकता है या उसके बुशिंग रह सकते हैं, तो उसको ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आती है बारी ग्रीस लगाने की, जो आपको स्पिंडल्स में यानी कि व्हील के दोनों एक्सल्स में आपको ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है, एंटी सीज लगाना ज़रूरी है, और स्पेशल NLGI बेस्ड जो ग्रीस रहता है स्पिंडल के लिए वो भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो स्पेयर पार्ट है वो ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है, जिससे आपका लाइफ ख़त्म हो जाएगा या ख़राब या कम हो जाएगा। दूसरा आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये गाड़ियों में अगर स्कूटर्स रहने दो या मोटरसाइकिल्स रहने दो, इसमें अगर हब मोटर है और आपका ड्रम जो है वो इंटीग्रेटेड है, तो ध्यान में रखना ड्रम चेंज नहीं हो सकता, डायरेक्टली आपको मोटर चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपका सेपरेट ड्रम है जो अटैच्ड है हब मोटर को या BLDC को, तो आपका मेंटेनेंस कम रहेगा, लेकिन ड्रम अगर ख़राब होता है तो आपको ड्रम रिप्लेस करना ही पड़ेगा और उसके साथ उसके ब्रेक शूज़ भी रिप्लेस करने पड़ने वाले हैं। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैटरी सेविंग के हिसाब से। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि LED बल्ब इसमें यूज़ करना आपको बेहतरीन रहेगा, आपसे आपको इसमें बैटरी का लाइफ जो है बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कंजम्पशन जो रहते हैं LEDs के वो कम रहते हैं। अगर आप रेगुलर कन्वेंशनल बल्ब्स अगर यूज़ करेंगे तो इसमें बैटरी लाइफ कम होगा या आपका डिस्चार्ज होने का चांसेस जो है यानी कि बैटरी जो है
वो डिस्चार्ज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिससे आपको कवरेज कम मिलेगा, जिससे आप कम किलोमीटर्स कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर करके आपको ये देखना है कि जो रिकमेंडेड वैटेज है उसी के हिसाब से, रिकमेंडेड जो कलर है उसी के हिसाब से आपको LED बल्ब्स रहने चाहिए। अगर आपके मैन्युफैक्चरर ने OEM मैन्युफैक्चरर में कि ओरिजिनल वही अगर LED बल्ब्स है तो उसको आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन इसी के लिए किया है ताकि आपको ज़्यादा माइल्स यानी कि ज़्यादा किलोमीटर्स आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाड़ी को बिल्कुल भी वायरिंग के साथ टिंकर मत करना कोई भी चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि वायरिंग को आप टिंकर करेंगे यानी कि आप वायरिंग में कोई भी अगर खिलवाड़ करेंगे, कोई काटेंगे वायर, उससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि इनके वोल्टेजेस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनके वैटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनके एम्पियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर एक्सटर्नल लाइट्स लगाने के लिए जाते हैं या अगर आपने गलती से भी गलत जगह से कोई वायर काटी या हॉर्न बिठाया, गलत तरीके से वायरिंग किया, तो आपका गाड़ी ख़राब होने का चांसेस 100% बढ़ जाता है। तो ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करना, कोई भी एक्सटर्नल चीज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कैलकुलेशंस किए हैं वो बैटरी को मद्देनजर रखते हुए इसके कैलकुलेशंस किए हुए कि कितना कंजम्पशन होने वाला है। अगर आप बढ़ाएंगे या आप कुछ भी कंज्यूम करेंगे एक्सटर्नली, तो उससे आपका कवरेज जो है, किलोमीटर जो है, वो कम जाएगा। अब बारी आती है इसके जो स्पेशल टूल्स है। देखिए दोस्तों, हमारा कन्वेंशनल IC इंजन यानी कि इंटरनल कम्बिशन इंजन जो था, इसके लिए बहुत सारे स्पेशल टूल्स लगते थे। स्टैंडर्ड टूल्स की बात अलग होती है, लेकिन स्पेशल टूल्स की बात अलग होती है, जिसकी वजह से आपको इंजन खोलने में आसानी हो जाती है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको स्पेशल टूल्स की ज़रूरत अभी तक तो नहीं आई हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हुई है जिसकी वजह से आपको या आपका टूल रूम को जो है वो चेंज करना पड़े या अपडेट करना पड़े। फिलहाल तो आप स्टैंडर्ड टूल से काम कर सकते हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड टूल्स भी अच्छे क्वालिटी के रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत टूल यूज़ करेंगे या गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो 101% आपके स्पेयर पार्ट का डैमेजेस बढ़ने वाला है, और हर टाइम आपको भागना पड़ेगा कि टूल उसके स्पेयर्स कहाँ मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, EV व्हीकल्स मार्केट में काफ़ी आ चुकी है, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, ज़्यादातर करके बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स नॉन स्टैंडर्ड रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होने वाला है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये सोचने वाली बात है कि आपके जो टूल्स हैं वो परफेक्ट ही रहने चाहिए। अगर आप गलत टूल्स यूज़ करेंगे तो आपका स्पेयर पार्ट डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी या आपके क्लाइंट की गाड़ी खराब हो सकती है। तो ध्यान में रखना, इसके जो टूल्स हैं ज़्यादातर करके स्टैंडर्ड टूल्स रहने वाले हैं। अभी तक ऐसा कोई भी चीज़ मालूम नहीं आया है, क्योंकि एक्सपीरियंस में नहीं है कि इसमें कोई हम बोल सकते हैं कि कुछ ज़्यादा सेंसर्स है। ECU वाली गाड़ियाँ तो आ चुकी है बहुत, लेकिन वो ज़्यादातर बड़ी गाड़ियों में है, छोटी गाड़ी में यानी कि स्कूटर और मोटरसाइकिल में जो EV व्हीकल्स जो है, इसमें ECU वाला कितना इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ चुकी है हमारे इधर, वो पता करने के लिए अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी काफ़ी सारी बाइक्स उतरने लगी है और उसके मार्केट के हिसाब से ही, कॉस्टिंग के हिसाब से ही गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग चालू है। तो ECU गाड़ी अगर रहेगी तो उसमें स्कैनर लगेगा, लेकिन ECU वाली गाड़ी नहीं रहेगी तो उसमें स्कैनर नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं मोटर में कितने सेंसर्स हो सकते हैं। तो हब मोटर या BLDC या PMDC में ज़्यादातर करके हॉल सेंसर्स रहते हैं। अब ABS वाली गाड़ी रहेगी तो हो सकता है आपको ABS का टूल लगेगा, और कुछ अगर और सेंसर्स दिए रहेंगे कंपनी तो उसके लिए आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल तो टू व्हीलर सेक्शन में ECU जो ओरिएंटेड गाड़ियाँ अगर नहीं है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस टाइम ECU वाली गाड़ियाँ आ जाएंगी उस टाइम आपको स्कैनर भी लगने का चांसेस बहुत ही चांसेस। तो ECU वाली गाड़ियां ना होने की वजह से आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है आपके वर्कशॉप को, लेकिन जिस टाइम गाड़ियां आने वाली रहेंगी उस टाइम आपको स्कैनर लेना जरूरत पड़ सकता है। हो सकता है आपके पास का जो स्कैनर है वो सिर्फ कन्वेंशनल यानी कि IC इंजन के लिए मैच होता रहेगा, क्योंकि EV व्हीकल्स में अगर BCM या कैनबस सिस्टम या OBD2 या OBD आता है तो उसका प्रोटोकॉल जो रहेगा, उसके पैरामीटर्स जो रहेंगे वो अलग रहेंगे, जो आप IC इंजन के स्कैनर्स के साथ मैच नहीं हो सकते। उसके लिए हो सकता है आपको नया स्कैनर खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों काफी सारे पॉइंट्स है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको मटेरियल या स्पेयर्स खरीदना है उसके लिए जो लिंक्स है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किए हुए, उसके थ्रू आप मटेरियल परचेस कर सकते हैं।